राजधानी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके के आशीर्वाद अपार्टमेंट में चोरों ने एक ही रात में 13 फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि तीन चोर रात में हाथों में चापड़, रॉड, चाकू लेकर सोसाइटी में दाखिल हुए और एक के बाद एक 13 मकानों से लाखों का सामान उड़ाकर फरार हो गए। यहाँ से इधर से जाएंगे अभी। अच्छा, ये इधर के आ रहे हो ना तालापुर के? एक जगह एक और चार से आए, यहाँ पे एक और चार है फ्लैट, एक नंबर और चार। ये तो कहते हैं ना, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। नमन मेहरा। नमन, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं 101 आशीर्वाद में रहता हूँ। ये 40 नंबर फ्लैट में मेरे नाना नानी रहते हैं। क्या घटना हुई है? ये दुर्घटना ये हुई है कि इसमें कल सुबह 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के बीच में, तीन बंदे सोसाइटी में घुसे हैं पीछे वाले दरवाजे से तारे काट के। ये हमें पता तब चला जब सुबह 7 बजे नाना घर पे आते हैं नहाने धोने, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो निबुलाइज़र लेते हैं। तो जब वो आए उन्होंने सबसे पहले देखा कि पड़ोस वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा वहाँ पर बिल्कुल घुप अंधेरा था क्योंकि नीचे की MCB डाउन हुई हुई थी। तब एकदम वो घबरा गए, उनको लगा कि कोई आ तो नहीं गया। फिर जैसे उन्होंने अपने घर के मेन गेट पे हाथ मारा वहाँ पे उनको ताला नहीं मिला। खोल के अंदर आए तो ड्राइंग रूम में पूरा अंधेरा हुआ हुआ था। अंदर गए जब बेडरूम में बत्ती जल रही थी, पंखा चल रहा था और AC चल रहा था और देखा तो सारा बिखरा हुआ था। ये देख के वो घबरा गए, एकदम उन्होंने हमको 101 में कॉल करा। हम जैसे यहाँ पर आए हमने देखा कि सब कुछ लुटा हुआ मिला है। हमारी तकरीबन 8.5-9 लाख की ज्वेलरी और साथ में 1 से 1.5 लाख रुपये कैश हमारा चोरी हो गया है। हमने CCTV फुटेजेस वगैरह तो देख रहे हैं बट उससे अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस का क्या एक्शन रहा है अभी तक? पुलिस का अभी तक तो कुछ खास एक्शन नहीं रहा है। कल वारदात के बाद पुलिस को जब फ़ोन करा, पुलिस आई, FIR लेके गई, हमें अभी तक FIR की कॉपी तक नहीं मिली है। पुलिस थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है लेकिन यहाँ पर ये है कि क्या कहते हैं, हम लोग ही ज़्यादा सोसाइटी वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे हमने सोसाइटी के साथ साथ, सोसाइटी में हमारे 16 कैमरे हैं, उसके साथ साथ हमने बाहर जाके भी आसपास की जगहों से कैमरों से फुटेज निकाली है उनकी। अब देखिए क्या होता है आगे। क्राइम ब्रांच के लोग आए जी। सीमा, मेरे पापा मम्मी की तबीयत, क्योंकि पापा को मेरे BP और अस्थमा की प्रॉब्लम है और मम्मी का BP बहुत ज़्यादा हाई था, बिल्कुल बेड पे हो रही थी। तो 3-4 महीने से मैंने पापा, क्योंकि मैं अभी जॉब करती हूँ बैंक में, मेरे हस्बैंड और बेटा सब जॉब करते हैं, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी सुबह मैं करके जाऊँ और शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँ फिर अपने घर आऊँ, तो इतना पॉसिबल नहीं होता, ऐसा करो आप मेरे घर चलो। क्योंकि हम तीनों सिस्टर हैं, एक सिस्टर मेरी गुड़गांव में रहती है और एक पंजाबी बाग रहती है। तो मैं मम्मी पापा को अपने घर लेके गई थी क्योंकि पापा मेरे एज एक्टिव प्रेजिडेंट का काम कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ पर साइन कराने होते थे तो पापा यही बोलते थे कि बेटा मैं 40 में नहीं 101 में हूँ, आप 101 में आके मुझसे कोई चीज़ साइन करानी है तो आप करा लो। तो इसलिए सोसाइटी में तो नेचुरली ये पता ही था जो भी वर्कर्स हैं या किसी को, के वो 40 की जगह अंकल आंटी 101 में रहते हैं। बराबर में 39 वाले जो है उनका बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया है 5 साल के लिए, तो वो अपना घर बंद करके गए हैं। कभी कभार उनका बेटा आके खोलता था, वो कहते थे अंकल आंटी आप हो तो आप हमारे घर का ध्यान रखना। तो पापा डेली सुबह यहाँ पर आके नहा के 2-3 घंटे न्यूज़ व्यूज़ सुन के अपना अस्थमा का अपना इनहेलर वगैरह लेके, और वो 9 बजे के करीब मेरे घर आते थे, मेरी पोती को स्कूल वगैरह छोड़ के फिर अपना वो नेक्स्ट डे आते थे। तो कल सुबह जब आए तो उनका गेट खुला मिला तो पापा को लगा कोई वहाँ से आया है इनके घर से।
आवाज़ लगाई तो कोई दिखा नहीं उनको। उसके बाद पापा ने अपने घर का देखा तो पापा ने कहा अरे ये मेरा गेट खुला कैसे है, मैंने तो चाबी लगाई नहीं अभी। फिर पापा को बड़ा शौक लगा, पापा अंदर आए, पापा अंदर आके देखा तो ड्राइंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। फिर पापा अंदर बेडरूम में के अंदर जाके देखा सारा सामान अलमारियाँ बिखरी पड़ी हैं। पापा तो क्योंकि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उनका डायबिटीज़ भी है, एक बार डायबिटीज़ लो हो जाता है बिल्कुल शुगर लेवल। पापा ने मम्मी क्या सब चोरी हुई जी, हमारा जो है कम से कम 8 लाख के करीब ज्वेलरी का चोरी हुई है, और जो है 1-1.5 लाख के करीब हमारा जो है कैश चोरी हुआ है। उस ज्वेलरी में मेरी मम्मी की ज्वेलरी भी थी, मेरी सिस्टर की भी थी और मेरी थी, क्योंकि हमारे आप लोगों ने कंप्लेंट किया है क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया जी? पुलिस सुबह आई थी और जो है वो सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह लेके गई, सारा बयान वगैरह लेके गई, और वो बोल रहे थे कि हम एक्शन करेंगे, और जो है फुटेज वगैरह जो निकल रही है वो साथ में वो देखने के लिए गए थे। इससे पहले भी पूर्वी दिल्ली के कई अपार्टमेंट में चोरी हो चुकी है और अभी तक उनका भी कोई पता नहीं चला है, ऐसे में क्या लगता है पुलिस आपको मदद कर पाएगी? भाई अब हमारे घर के लोग तो खुद ही लगे पड़े हैं, कल से एक मिनट उन्होंने सांस नहीं लिया, हर जगह जहाँ से पता चल रहा है वहाँ से, चाहे DBN स्कूल हो चाहे मदर डेयरी हो, जहाँ से वो कर सकते हैं वो फुटेज निकलवा रहे हैं खुद। और ये ज़रूर है कि हाँ पुलिस का एक बंदा उनके संग, क्योंकि बिना पुलिस की मदद से फुटेज नहीं निकाल के कोई देता अपने, और बाकी तो अभी तो कुछ पता नहीं चला।